हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट और दिखा देते हैं और देखिए फिलहाल तो ये हाईवे दिख रहा है और आंकड़ा दिख रहा है, तो छोटी सी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक के नतीजों के बाद चुनाव के मुद्दों को लेकर एक बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि नेशनल मुद्दे नहीं चले और लोकल मुद्दे चल गए। कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं को अहमियत दी जबकि बीजेपी राष्ट्रीय नेताओं पर भरोसा करती रही। चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव नतीजों तक समीकरणों के सहारे कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता तक पहुंचने में सफल रही। चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस ने न सिर्फ चुनौती दी बल्कि मुकाबले से भी बाहर कर दिया। कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो बीजेपी पर भारी पड़े। कांग्रेस ने पहले दिन से बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाकर कांग्रेस के हर नेता ने हमला बोला जबकि बीजेपी इसका बचाव नहीं कर पाई। कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन लोकल मुद्दों के आधार पर बना जबकि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे आगे बढ़ती है। कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम किया। बीजेपी के कई बड़े नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए जबकि बीजेपी ने पुराने नेताओं के टिकट भी काटे और उन्हें साइडलाइन भी किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया मगर बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़कर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। ये लोग कौन सा केस में है? सारे एंटी सोशल बजरंग दल में हैं। ये बजरंग बली का फॉलोअर्स नहीं हो सकता है। तो ऐसा काम करके ही भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर आस्था जो रखा है उसको भी कमजोर कर रहा है। डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है। हार को हम स्वीकार किया एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण की बहाली का वादा किया जबकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने चुनाव में बेरोजगारी महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जबकि बीजेपी का फोकस हिजाब लव जिहाद और तुष्टिकरण पर ज्यादा रहा। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी will not only analyze and will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We will look into that and improve upon it and we will take this result in our stride and we will go ahead and reorganize the party Hello? And come back during Lok Sabha election. BJP bhale hi ab 2024 ke liye plan taiyar karne ka dawa kar rahi ho magar Karnataka ki haar ne uske liye dakshin ka dwar band kar diya hai. अब सवाल ये भी है कि क्या कर्नाटक वाली रणनीति के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी कोई कमाल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शहजाद और अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद है स्टूडियो में। शहजाद, बजरंग बली नहीं चला और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको एकदम परस के दे दिया था। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब लोग एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हनुमान, अब लोगों को स्थानीय मुद्दों पर विधानसभा में तो कम से कम वोट देते हैं? शोभना जी, एक तो बजरंग बली कोई चुनाव का नहीं है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अगर कोई बजरंग बली के विषय में कुछ बोलता है तो उसका हम प्रतिरोध आज भी करेंगे, कल भी करे थे और आगे भी करते रहेंगे। पर बजरंग दल और बजरंग बली में फर्क है मुझे लगता है। नहीं, मेरा आपको स्पेसिफिक मैं आपको स्टेटमेंट सुना सकता हूँ। रहमान खान ने कहा था, रहमान खान जो सोनिया गांधी के वेरी क्लोज एड है, उन्होंने कहा था जय बजरंग बली ये डर का माहौल पैदा करता है। मैं करोड़ों हिंदुओं को जानता हूं, वो आस्था से आज प्रियंका जी भी बोलकर आई होंगी जय बजरंग बली और हम गर्व से बोलते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि डर का माहौल पैदा होता है। इससे मैं इसके ऊपर आगे भी निषेध करता रहूंगा, पहले भी। मैनिफेस्टो आने के बाद विरोध की आवाज, मैनिफेस्टो की आवाज इसलिए निकली क्योंकि उस मैनिफेस्टो में, जिसको मैं मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहता हूं, उसमें लिखा गया है और सिद्धरमैया का ऑन रिकॉर्ड टू न्यूज मिनट बयान है कि मैं धर्मांतरण के खिलाफ कानून और गौकशी के खिलाफ कानून को रद्द कर दूंगा, निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा। मैं क्या पूछना चाहता हूं उनसे कि ये एजेंडा है आपका? भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहीं पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता है, वहां पर धार्मिक आरक्षण की बात करना, क्या ये संविधान? क्या वजह देख रहे हैं? मैं एक वजह अगर कहूं, सबसे बड़ी गलती बीजेपी की, आप शहजाद पूनावाला की नजर नहीं, जो मेरी पार्टी की गलती होगी वो मैं आपको यहां पर विश्लेषण करके नहीं बताऊंगा।
मैं अपनी पार्टी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं सचिन पायलट नहीं हूँ। तो दूसरी बात यह है, केवल यह है कि सचिन पायलट कह सकते हैं धरने पर बैठकर, मैं धरना यहाँ पर नहीं करूंगा। मुझे जो लगता है मेरी पार्टी के विषय में, मेरे नेताओं को लगता है, वो बंद कमरे में जहां पर विश्लेषण करके उस पर सुधार भी करें। एक बात केवल एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज विश्लेषण इसका भी होना चाहिए कि आज इतना सारा हवा खड़ा करने के बाद आप हमारे वोट शेयर को कम क्यों नहीं कर पाए, क्यों आज हम 36% पे खड़े हैं, क्या ये हकीकत है या नहीं है? मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, मतलब कि क्या था, एक एक्स्ट्रा वोट कहीं से आया, वो वोट आपको छिपते छिपाते मिल गए, वो टीवीटी है, टोटल वोट बैंक ट्रांसफर। अतुल जवाब दीजिए, आप बीजेपी का वोट बैंक में सेन नहीं लगा पाए, आपने तो जो वोट बैंक आपको ट्रांसफर हुआ वो जेडीएस का हुआ। शोभना जी, मैं अपेक्षा करता हूँ कि बीच में मुंह नहीं मारेंगे शहजाद, और मुझे वक्त मिलेगा क्योंकि मेरा समय उन्होंने जो है खा लिया और आपने बीच में रिपोर्ट लगा दिया। हाँ। तो यह ऐसी बात है कि धर्म के नाम पे कोई आरक्षण होता नहीं है, ये मनुवादी लोगों की वजह से हजारों सालों से लोग अलग अलग धर्म में चले गए और उसके वजह से संविधान ने उनको जो जगह दी वो जाति के आधार पर दी है, और वो भी उसका जो क्राइटेरिया है वो शिक्षा और सामाजिक जो पिछड़ापन है उसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जाति के भरोसे दिया जाता है। तो ये जो झूठ है ये बार बार बोलते रहते हैं, तो उसका तो उजागर करना जरूरी है। जहां तक बजरंग दली का सवाल है, मुसलमान भी मनुवाद से प्रभावित है क्या? देखो बीच में मुंह मारते, अब बताओ आप ऐसी बात करोगे, मतलब मनुवाद और मुसलमान ख्याल है ना, आरक्षण तो मुसलमान में बात पूरी हो जाने दीजिए, जब आपकी बारी आए तो जवाब दे दीजिएगा। मैं चुप, मैं मुंह नहीं मारता क्योंकि अपना अज्ञान मत दिखाओ बार बार। उन जाति जो शिक्षा के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर जो पिछड़ा है उनको 16(4) संविधान के अनुच्छेद के अनुसार आरक्षण मिलता है, तो बीच में सलमान का नाम मत लाओ। शहजाद, तुम जो सचिन पायलट को बोल रहे थे ना, यहीं थे तुम, हमने देखा है। तो ध्रुव सक्सेना, अगर आप भगवान का नाम लेके एक संगठन पैदा करते हो, उसके आधार में देश के विरोध में काम करते हो, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये धर्म की बात कहां से आ गई? पीएफआई की भी बात की हमने, वो बात शहजाद नहीं करेगा। शहजाद ये नहीं बताएगा कि नरसिंह राव ने ईवीएम पे इतनी बड़ी किताब लगाई, प्रतिबंधित हमने कहने के बाद लगाया है, और जब पीएफआई को प्रतिबंध लगाने की बात थी तो आपका एक भी चेहता है ना प्रवक्ता, तो प्रतिबंधित तो नहीं था मैनिफेस्टो में, बीच में मुंह मत मारो ना। झूठ जब झूठ सामने आता है ना तो बीच में मुंह मारना शुरू हो जाता है, बौखलाहट शुरू हो जाती है। तो पीएफआई पे जो है मारना गलत हिंदी है, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ। मराठी मला त्यांची मराठी कळते, तो मराठीत बोलतोय, त्याची मराठी हिंदी मध्ये येतोय। चलेगा, चलिए चलिए, दीपक जी ने कह दिया तो फिर मेरा तो कुछ बोलने का बनता ही नहीं है, वो चलिए। उनका भाव मेरे तक पहुंच रहा है, बोलो। ठीक है, हाँ भाव पहुंच रहा है उनकी तरफ, और वो भाव समझते भी अच्छे से। तो एक बात तो ये तय है कि हर बार जब झूठ पकड़ा जाता है, जीवीएल नरसिंह राव ने पूरी किताब ईवीएम पे लिख दी, उसके ऊपर प्रस्तावना अडवाणी जी ने लिख दी, तो मैंने बार बार ये मुद्दा रखा कि सवाल ये नहीं क्या सही है क्या गलत है। लोकतंत्र में चुनाव जो है वो अहम है, महत्वपूर्ण है, कि वो लोगों का रिफ्लेक्शन है उसमें भी, उनकी इच्छा का। तो अगर दोनों तरफ से अगर उस पर अविश्वास पैदा होता है तो आ जाओ ना बैलेट पेपर पे, आपको इतना विश्वास है तो फिर बैलेट पेपर में ऐसे डरते कि वो आज मैं जीतने के बाद बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जीतने के नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसा बीच बीच में डरते कि वो बात करते हो, हम तो नहीं करते ऐसे बात, शांति से सुनते हैं क्योंकि हमारे पास सच होता है। अब तालिब हुसैन शाह इनका सोशल मीडिया का हेड पहुंच गए जम्मू कश्मीर का, वो अमरनाथ के यात्रियों के ऊपर हमला करने की षड्यंत्र रचता है, वो पाला जाता है, इनके सामने पाला जाता है। तो ऐसे अभी प्रदीप पुरुलकर जी है, वो डीआरडीओ में सारा मिसाइल का टेक्नोलॉजी जो है उसके सीक्रेट जो है वो पाकिस्तान को देते हैं। अगर आपके लिए हंसने वाली बात होगी, कौन से विषय पे शुरू किया था? आरक्षण के विषय पे। अतुल जी कर्नाटक में रहिए ना सर, कहां आप पाकिस्तान शोभना जी बात यह है कि भगवान का नाम लेके कोई संगठन खड़ा करके अगर ध्रुव राठी पैदा होता होगा, अगर राठी नहीं सकते ना, राठी आपका है, राठी वाला आपका है भाई, ध्रुव सक्सेना। हाँ, राठी तो यूट्यूबर है भाई। चलिए कोई बात, की बात कर रहा हूँ, बात समझ गए। अरे भाई वो ध्रुव राठी सू कर देगा, सर हमें सू कर देगा, बोलेगा तुमने भैया, मैं नहीं बोलूंगा अभी कुछ ऐसा है। देखिए एक एक करके मैं प्रयास करता हूँ, मैं उनका भाव समझ गया। अतुल देखिए, दीपक जी को आपने आज इतना हंसा दिया है, खून बढ़ रहा है। इसके पहले भी एक बार दीपक जी हंसे थे और फिर मैंने क्या कहा था उसको शायद याद नहीं आ रहा, मैं याद दिला दूं तो तकलीफ हो जाएगी। लेकिन ध्रुव सक्सेना जैसे देश गद्दारों को अगर आप हंसते हंसते उनके उनकी जो गलतियां उसको छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको मुबारक हो। जी न्यूज़।